हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है इस बात को कुछ टाइम हो गया हो या रिसेंटली ही आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और आप थोड़े से निराश हैं और आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस टाइम और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो ये रीडिंग उनके लिए है। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर वन वी हैव दिस एमेथिस्ट एंड फॉर पाइल नंबर टू वी हैव दिस रोज क्वार्ट्ज। आप यू कैन टेक योर टाइम, आप आराम से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर वन वी हैव एमेथिस्ट और पाइल नंबर टू वी हैव द रोज क्वार्ट्ज। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, पहले देखते हैं कि आपके एक्स पार्टनर या जिनके साथ भी आपका ब्रेकअप हो चुका है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है, मे भी हो सकता है आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे थे या हो सकता है अ वाटर साइन लाइक यू और सॉरी अ वाटर साइन आप भी हो सकते हैं, एयर साइन आप भी हो सकते हैं, जो भी साइंस मुझे दिख रहे हैं, और मे बी एन अर्थ साइन जिनके साथ आप डील कर रहे थे, राइट? वाटर, एयर एंड अर्थ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। फायर साइंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे, राइट? सो नाउ आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं दे आर ब्रोकन, दे आर हार्ट ब्रोकन, दे स्टिल हैव फीलिंग्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है। लेट मी टेल यू, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं जिनके बारे में डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनके मन में फिर लाइक स्टिल उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं और हो सकता है कि उनके उनके पास ऑप्शंस हो उनकी लाइफ में, बट वो हार्ट ब्रोकन है। और आप लोगों का जो भी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी ब्रेकअप हो गया या जो भी हो गया, तो आपके जो एक्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और वो अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज दे आर रिफ्यूजिंग, राइट? और बिट्रेड, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको बिट्रे किया, उनको ऐसा लगता है कि लाइक फीलिंग्स हैं उनके मन में, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको क्यों छोड़ के चले गए। हो सकता है उनके मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा लगता है कि वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि लाइक आप लोगों का लाइक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, प्यार होगा, और उनको ऐसा लगता होगा कि हो सकता है आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं और वो अभी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अभी दे आर इन लाइक एनर्जी ऑफ रिफ्यूज़ल बिकॉज वो बिट्रेड फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं और हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एयर साइंस भी हो सकते हैं, राइट? और रिफ्यूज़ल की एनर्जी है, राइट? और वो इस चीज़ से अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है उनके अराउंड ऑप्शंस हो सकता है उनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हो, बट राइट नाउ मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो उस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि येस यू आर मूविंग अहेड और यू आर गोइंग विद द फ्लो, और जैसा कि आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि आप भी वाटर साइन हो, आपके पर्सन भी, यू नेवर नो, राइट? और हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग विद द फ्लो, यू आर डूइंग गुड, यू आर लाइक एन एम्प्रेस, वी हैव क्रिएटिविटी, राइट? हो सकता है कि आप सिंगल मॉम या सिंगल डैड हो और स्लोली एंड स्टडली आप आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ
कोडिपेंडेंसी इश्यूज़, जिसमें से हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई किसी ने रिफ्यूज़ किया हो कुछ, कोई हार्ट ब्रोकन, कोई कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ थे आप लोगों के रिलेशनशिप में, मे भी हो सकता है मनी इश्यूज़ हो, तो आप उस चीज़ को अब आप सॉल्व करके आप आगे निकल रहे हैं और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं। विद एन एम्प्रेस कार्ड हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप किसी रीज़न की वजह से हुआ हो, और वो रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है कि मे बी कुछ मनी इश्यूज़ की वजह से, या मे बी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि दे वर नॉट गिविंग यू दैट मच इम्पोर्टेंस और वो रिफ्यूज़ कर रहे थे उस टाइम, और हो सकता है कि वो उस टाइम थर्ड पार्टी में थे, राइट आपके जो पर्सन थे, तो हो सकता है ये रीजन्स रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई और पर्सन ही हो, राइट। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है लाइक दे आर वेरी, दे फाइंड यू लाइक यू आर लाइक एन एम्प्रेस, राइट। सो आप गलत चीज़ अपनी लाइफ में बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, एंड दे कैन सी दैट, और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को लेके, एंड दे आर लाइक स्लोली एंड स्टडली, उनको पता है कि यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, और आप कुछ ना कुछ लाइक द थिंग इज़ वो आपके बारे में एक चीज़ और भी फील करते हैं लाइक यू आर डूइंग गुड, यू आप आगे बढ़ रहे हैं, बट मे भी हो सकता है उनको ऐसा लगता है लाइक कि आप आगे नहीं आना चाहते थे, या आपने इस रिलेशनशिप को लाइक बदलना नहीं चाहते थे, या आप मूव ऑन कर गए, मे भी हो सकता है यू कैन स्विच रोल्स वाइस वर्सा। बहुत लोगों के लिए हो सकता है लाइक सिंगल मॉम हो सकते हैं आप, या वर्किंग वुमेन, या ऐसा हो सकता है लाइक सेल्फ डिपेंडेंट, और बहुत चांसेस है मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कि यू आर अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, राइट, लाइक यू आर हैविंग अ किड, तो हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है इस चार्ट को देख के कि हो सकता है कि किड्स आप लोगों के बीच में मनी एंड किड्स को लेके कुछ इश्यूज भी रहे हो सकते हैं, राइट, और हो सकता है कि डिफाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, राइट, लाइक हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है टाइम की वजह से आगे बढ़ तो रहा था, राइट, बट बहुत स्लो पेस पे, और हो सकता है इस वजह से किसी ने गिव अप कर दिया, या आप लोगों का जो भी किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ, सो यू ऑप्टेड आउट बिकॉज आप अपनी लाइफ में या आप अपनी रिलेशनशिप में कुछ सॉलिड चाहते थे, कुछ बिल्डअप करना चाहते थे, सो उसलिए हो सकता है आपने अपने आप को अलग कर लिया हो। यू आर क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा यू आर मैच्योर पर्सन, और बहुत ज़्यादा यू आर बेसिकली आप अपनी लाइफ में अपनी ट्रैक पे मूव ऑन कर रहे हैं, दे कैन सी दैट, राइट, और हो सकता है कि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि देयर वर कोई कुछ इश्यूज़, देयर वर सम इश्यूज़, कोई इश्यूज़ थे मनी को लेके, कोडिपेंडेंसी को लेके, या कुछ था कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था किसी चीज़ को लेके, इस वजह से हो सकता है, और आपके पार्टनर स्टिल अभी भी उसी एनर्जी में है, और वो ऐसा फील करते हैं कि आपने शायद उनको बिट्रेड किया है, या हो सकता है कि अभी वो किसी और ऑफर को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, या हो सकता है कि वो अभी मूव ऑन कर नहीं पाए हैं ऑल दो उनके पास ऑप्शंस हैं। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं है, वो आपकी हो सकता है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो आपका रिलेशनशिप है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े से हार्ट ब्रोकन है, उनको लगता है थोड़ा सा रिफ्यूज़ल एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके जो पर्सन है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, तो हो सकता है इस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, क्योंकि समबडी वॉज रिफ्यूजिंग बिफोर, राइट, कोई रिफ्यूज़ कर रहा था और इसकी वजह से यू मूव्ड ऑन। So that's all we have for pile number 1. चलिए बात करते हैं अब pile number 2 की, जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज चूज किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, आपके एक्स की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, मे बी हो सकता है अ फायर साइन, बहुत चांसेस लग रहे हैं दिस पर्सन इज अ फायर साइन और एन एयर साइन, या आप हो सकते हैं फायर एयर अर्थ साइन, बट फायर और एयर मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं आपके चार्ट में, राइट। नाउ आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ को लेके बर्डनड है, बहुत ज़्यादा बर्डनड है, उनके पे बर्डन है। येस, हो सकता है दे आई मैरिज
हो रही है उनकी या हो चुकी है या डोंट नो, देयर इज लाइक हो सकता है कि कुछ है इश्यूज यहाँ पे, मे बी हो सकता है कि मैरिज है इस पर्सन की या हो चुकी है या होने वाली है और कोई इश्यूज है, दे आर होल्डिंग बैक, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक दे वांट टू लाइक, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई है मे बी मदर की वजह से, या मे बी हो सकता है देयर वॉज समबडी एल्स इन देयर लाइफ स्पेशली, हो सकता है कि कोई फीमेल मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है जो इस टाइम उनको बॉदर कर रहा है, या मे बी थर्ड पार्टी है, देयर इज़ सम थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है आपके, हो सकता है लाइक उनके पास कोई रिश्ता हो, कोई ऑफर हो और दे आर गोइंग थ्रू दैट फेज इन देयर लाइफ और कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, हो सकता है कोई प्रपोजल हो, या हो सकता है एक्चुअली में आपके लाइक जो एक्स पार्टनर है वो मैरिड हो राइट, या किसी के साथ डील कर रहे हो देयर वाइफ, और हो सकता है कि दे आर गोइंग थ्रू दैट फेस, बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है मुझे किसी चीज़ का, अगर तो वो मैरिड है तब भी, और अगर दे आर गेटिंग मैरिड तो हो सकता है फैमिली प्रेशर हो उनके ऊपर टू गेट मैरिड राइट, और दे आर लाइक होल्डिंग कुछ है जो वो होल्ड बैक कर रहे हैं, सो दे वांट कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, तो मे बी हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, और आपके लिए लाइक वो सोचते हैं कि दैट लाइक हो सकता है लाइक आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि यू शुड मूव ऑन, या मे बी उनको लगता है कि आपको नया विजन रखने की ज़रूरत है, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू लाइक वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि आपको रिकवर करने की ज़रूरत है, या आपको इस पेन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और हो सकता है ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, और उनको ऐसा भी लगता है कि शायद यू शुड बी लाइक लिटिल अप लाइक लिटिल लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लिटिल शेयरिंग राइट, थोड़ा सा आपको लाइक अपना, हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो और आप बहुत पेन में हो राइट, आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आपके जो पर्सन है दे आर लाइक आपके बारे में लाइक दे आर अट्रैक्टेड टू यू, फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं राइट, और वो ऐसा फील करते हैं दैट यू आर लाइक अ क्वीन, यू आर लाइक उनके लिए लाइक वेरी जैसे कहते हैं ना वेरी स्मार्ट, वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी करिस्मेटिक वुमेन, या कुछ या मेल है या फीमेल जो भी है, तो आप यू कैन स्विच द रोल्स राइट, दे फाइंड यू एज द वन, बट उनको ऐसा लगता है कि यू नीड टू लाइक मूव ऑन, और या हो सकता है कि आपको आगे के लिए सोचना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, और यू शुड, और अगर आप अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि शायद आप जल्दी ही आगे मूव ऑन कर जाएंगे राइट, और धीरे धीरे स्लोली वो ये सोचते हैं कि येस आपको करेज बिल्ड करनी चाहिए, और जो ये चीज़ आपको जो बॉदर कर रही है बहुत ज़्यादा ठीक है, उसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ऐसा आपके मुझे लगता है ऐसा एक्स आपके सोचते हैं लाइक दे डोंट थिंक बैड अबाउट यू, उनको ये पता है बट दे हैव लॉट ऑफ बर्डन ऑन देम, बर्डन है टू गेट मैरिड, और अगर वो मैरिड है तो हो सकता है देयर इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक सेपरेशन, या यू कह लीजिए कुछ है किसी चीज़ का उनके ऊपर बर्डन है, या कोई मदर इश्यूज़ हैं, या हो सकता है कोई वाइफ उनके कोई वो इश्यूज़ हैं जो वो जिस उस चीज़ में से निकल रहे हैं, दे आर फेसिंग दैट थिंग राइट, बट आपके लिए उनके मन में बुरी फीलिंग्स नहीं है राइट, और वो ये सोचते हैं ऐसा लाइक आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं, इट्स लाइक अ हैंग मैन, सो हो सकता है वो ये सोचते हैं कि आपको आप स्टक ना हो और आप आगे बढ़ जाएं, और स्लोली एंड स्टडली आप उस चीज़ में से बाहर निकल आएँ, और आप रीबर्थ, इट्स लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट राइट, तो वो ऐसा विश करते हैं कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, बिकॉज वो किसी चीज़ में स्टक हैं, और हो सकता है कि मैरिज है यहाँ पे जिस चीज़ में वो स्टक हैं, और बर्डनड है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बोला कि फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं राइट, और कुछ होल्ड कर रहे हैं वो, इस वजह से वो होल्ड बैक कर रहे थे, इस वजह से लाइक जो भी था वो ये इश्यूज़ रहे होंगे, सो आपके लिए वो यही विश करते हैं कि दैट यू शुड कीप अ न्यू विजन, और आपको उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल, अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं आप, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।